फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एवोकाडो का पौधा आप अपने गमले में भी उगा सकते हैं और उससे अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। आज का वीडियो उसी के बारे में है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अविरल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अविरल की बगिया। फ्रेंड्स, हम आज से अपने चैनल पर एक कॉन्टेस्ट शुरू कर रहे हैं जिसकी डिटेल वीडियो के अंत में दे दी जाएगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें जिससे कि कोई भी आवश्यक जानकारी आपसे ना छूटे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, वैसे तो एवोकाडो का पौधा एक ट्रॉपिकल पौधा है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर हम इसे अपने गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एवोकाडो के पौधे को यदि हम सीड से ग्रो करते हैं तो उसमें फल आने में 3 से 5 वर्ष लग जाता है, लेकिन अगर हम ग्राफ्टेड पौधा अपने गमले में लगाते हैं तो उसमें हम मात्र 6 माह से 1 वर्ष में ही फल लेना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एवोकाडो का ग्राफ्टेड प्लांट नर्सरी से परचेज किया है जिसको आज हम गमले में रिपोर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, एवोकाडो के प्लांट के लिए हमें जिस मिट्टी की ज़रूरत होती है वो वेल ड्रेंड और थोड़ी एसिडिक होनी चाहिए, क्योंकि एवोकाडो के प्लांट के लिए जो मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है उसका पीएच लेवल 5 से 7 के बीच में होना चाहिए। इसके लिए हमें लेना है 20% गार्डन सॉयल, 20% रेत या बालू, 30% पीट मॉस और 30% ही आपको लेनी है कंपोस्ट। आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, लीफ मोल्ड कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट। फ्रेंड्स, इन चारों चीज़ों के अलावा भी हमें कुछ और चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें लेना है 1 मुट्ठी बोन मील, 1 मुट्ठी नीम की खली या नीम की खाद, 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड और 0.5 चम्मच एप्सम सॉल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट और 1 चम्मच फंगीसाइड। फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को हमें अपनी मिट्टी में बहुत अच्छी तरीके से मिला लेना है। ह्यूमिक एसिड हमारे पौधों को ज़रूरी सभी पोषक तत्वों को पहुंचाने में मदद करता है। एप्सम सॉल्ट से हमारा पौधा रिपोर्टिंग शॉक से बचा रहता है और फंगीसाइड हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारे पौधे में कोई भी फंगस ना लगे। फ्रेंड्स, एवोकाडो के प्लांट के लिए मिट्टी का जो पीएच है वो 5 से 7 के बीच होना चाहिए। हम पीट मॉस इसीलिए यूज़ करते हैं जिससे मिट्टी का पीएच लेवल मेंटेन रहे। फ्रेंड्स, हमें मिट्टी को काफ़ी अच्छी तरीके से मिलाना है और यदि इसमें कोई भी बोरी के टुकड़े या ईंट के टुकड़े वगैरह आ जाए तो हमें इन्हें निकाल कर बाहर फेंक देना है। मिट्टी अच्छी तरीके से मिल जाने के बाद हमें जो पॉट लेना है उसमें काफ़ी सारे ड्रेनेज होल होने चाहिए जिससे कि हमारे गमले का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा बना रहता है और गमले में पानी नहीं रुकता है। इन सभी क्षेत्र को हम गमलों के टुकड़ों से कवर कर देते हैं जिससे केवल एक्स्ट्रा पानी ही गमले से बाहर निकल सके और मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो गमले से बाहर ना निकल पाए। इसके बाद हमें अपने गमले में मिट्टी भरनी है। मिट्टी भरते समय भी कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जैसे कि जब भी हम मिट्टी गमले में भरना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी मिट्टी भरने के बाद हमें इसको हाथों से प्रेस करते रहना है जिससे कि मिट्टी में जो भी एयर बबल्स हैं वो ना रहें, क्योंकि एयर बबल से पौधों की जड़ों के सूखने का डर बना रहता है। हमें गमले में उतनी ही मिट्टी भरनी है जिससे नर्सरी से लाए हुए पौधे की मिट्टी की ऊंचाई से 2 इंच अधिक जगह बनी रहे। नर्सरी से लाए हुए पौधे को हमें बहुत ही सावधानी के साथ किसी कैंची या तेज धार वाली चाकू की मदद से काटकर इस पौधे की पॉलीथीन को अलग कर देना है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि पौधे की रूट बॉल डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर पौधे की रूट बॉल डिस्टर्ब होती हैं तो पौधे की सूखने का खतरा बना रहता है। पौधे को हमें गमले के बीच में रखना है और चारों तरफ से मिट्टी को भर देना है। मिट्टी को गमले में भरने के बाद हमें इसमें वाटरिंग करनी है।
और जब हम पहली बार वाटरिंग करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पौधे में बहुत अच्छी तरीके से पानी डालना चाहिए, जिससे पौधे का ड्रेनेज सिस्टम चेक हो सके, क्योंकि यदि पानी गमले में रुका रहता है तो रूट रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है और हमारा पौधा सूख कर मर भी सकता है। रूट रॉट की समस्या ना हो, इसीलिए हम गमले में काफ़ी सारे ड्रेनेज होल करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे प्लांट में पुरानी पत्तियां हैं जो कि सूख रही हैं, उन्हें हम काट कर अलग कर देते हैं और अपने पौधे को किसी छाया वाली जगह पर 6 से 7 दिन के लिए रख देते हैं, जहां पर हमें इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। फ्रेंड्स, हमारे पौधे को आज छाया वाली जगह पर रखे हुए लगभग 7 दिन पूरे हो गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। अब हम पौधे को सेमी सेड या जहाँ पे सुबह की धूप आती हो ऐसी जगह पर हम रख देंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे पौधे को रिपोर्ट किए हुए पूरे 20 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा पौधा कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है और बहुत ही जल्दी इसमें फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आज से हम एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हम अपने प्रत्येक वीडियो में जिस पौधे या फर्टिलाइज़र के बारे में दिखाएंगे, हम उस पौधे या फर्टिलाइज़र को अपने एक सब्सक्राइबर को कमेंट पिकर के माध्यम से सेलेक्ट करके उसे वह चीज़ गिफ्ट के रूप में देंगे। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा कॉन्टेस्ट प्राइज है वो है एवोकाडो का ग्राफ्टेड प्लांट, जो कि विजेता को कोरियर के माध्यम से घर तक पहुँचाया जाएगा और इसके विजेता के नाम की जानकारी हम अपने आने वाले वीडियो में देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।